ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए या ये ऑपोजिशन के एक्चुअली रूड बिहेवियर या पार्लियामेंट्री अनडेकोरम बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये लिया जा रहा है तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसमें क्या कारण दिया जा रहा है सस्पेंशन का तो एक टर्म होता है जिसे बोलला जाता है पार्लियामेंट्री डेकोरम यानी कि गवर्नमेंट और ट्रेजरी बेंचेस ये मान रही हैं कि जो ऑपोजिशन एमएलए एमपीस जो सस्पेंडेड हैं वो पार्लियामेंट्री डेकोरम को फॉलो नहीं कर रहे हैं ऐसा देखा गया कि लगातार वॉइस कर रहे हैं, रहे हैं, हैं, चिल्ला स्पीकर के बेंच में चढ़ गए इनफैक्ट एक अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऐसा कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो एंटायर कंट्री के लिए एम्बेरसमेंट है एक ऐसा अनरूली बिहेवियर शो किया जा रहा है डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट हैज बिकम अ नॉर्म ऐसा गवर्नमेंट मान रही यदि इसके अगेंस्ट अपन ऑपोजिशन का स्टैंड देखें तो उनका कहना है कि ऐसे मास सस्पेंशन से और कुछ नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के लास्ट बिट्स भी खत्म हो रहे हैं तो यदि सबसे पहले बिफोर गोइंग द द डिटेल्स ऑफ ऑफ पार्लियामेंट क्यों डिस्करप्शन किया जाता है सबसे पहले अपन सस्पेंशन के मुद्दे को ही डिटेल में समझते हैं क्या रूल्स होते हैं जो सस्पेंशन ऑफ एम को गवर्न करते हैं सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सस्पेंशन से रिलेटेड नहीं मेंशन किया गया है। ये किस में मेंशन किया गया है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अपनी अपनी गवर्न करने के लिए रूल बुक होती है इन रूल बुक में ही मेंशन किया गया है कि सस्पेंशन कैसा किया जाएगा और स्पेसिफिक रूल्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम रूल्स के नंबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्लीज डो नॉट मेमोराइज इट बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या ब्रॉड प्रोसीजर है ताकि वी कैन सजेस्ट सर्टेन रिफॉर्म्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस का है उसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है यानी कि इनकेस ऑफ लोकसभा स्पीकर विल पे अजर रोल एंड इन केस ऑफ राज्य सभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को गवर्न करता है सबसे पहले होता क्या है एक एम पी पर्टिकुलर अनरूली बिहेवियर को शो कर रहा है उन्हें विड्रॉ करने के लिए कहेगा यानी कि सिंपल सादे भाषा में जैसे आप एक क्लास इमेजिन कर सकते हो तो क्लास में जब बहुत सारे बच्चे हल्ला कर रहे रहते हैं तो टीचर क्या करता है एक वार्निंग देता है कि खबरदार बच्चों साइलेंट हो जाओ दैट इज हाउ दिस वर्क्स विद्रॉ करना एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके हिसाब से डिक्टेट है कि आप अनरूली बिहेवियर शो कर रहे हो विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हाउस रूल्स ऑफ द हाउस देर आप शांत हो जाओ और यदि आप नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं इन आसान वर्ड्स दिस इज काइंड ऑफ वार्निंग टू द एम इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया जाता है एक जनरल क्लास को वार्निंग जैसे देते हैं उसी तरीके से होता है इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर नेम कर सकता है यानी कि वार्निंग देने के बाद भी विड्रॉ करने के बाद भी यदि नहीं रूल सेटअप होता है हाउस में तो जैसे टीचर स्पेसिफिक नाम पॉइंट आउट करके बोलता है एक्स एक्स वाई जेड यू यू आर आर टॉकिंग टू मच रनिंग अराउंड क्लास ये करके नेम करके फाइनली सेट कर सकता है और उसके बाद भी यदि नहीं होगा तो क्या होगा एक आ, मोशन सेटअप कर दिया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हाउस में और उसमें नॉर्मली ओरल वोट होता है सबसे पहले इस ओरल वोट के बेसिस पर हाउस वोट करता है और यदि मेजोरिटी हाँ आती है तो वो जो एमपी है वो सस्पेंड हो जाता है नॉर्मली पांच दिन के लिए या हो सकता है टिल द एंड ऑफ द सेशन जैसा भी डिसाइड किया जाए इसके अलावा 2001 में लोकसभा की रूल बुक में एक और रूल ऐड किया गया था इसमें कहा गया यदि कोई ग्रेव और डिसऑर्डरली मिसकंडक्ट कर रहा है यानी एक हद से ज्यादा मिसकंडक्ट कर रहा है तो स्पीकर ये वोट के बिना ही ये मोशन लाए बिना ही सिंपली स्पीकर जो हाउस का रहेगा वो जो भी एम ऐसे एक्शन में हैं उनको सस्पेंड कर सकता है दिस इज द मीनिंग लेकिन एक बात और है ऐसा कोई भी रूल राज्यसभा में नहीं है तो राज्यसभा में जो सस्पेंड हुए हैं वो चेयरमैन ने एक मोशन इंट्रोड्यूस किया था और मोशन इंट्रोड्यूस करने के बाद ही वोटिंग हुई ओरल वोटिंग में हाँ मिला तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा एक बात और आप समझिए कि यदि कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म किया है तो एटलीस्ट लोकसभा में उसकी मेजोरिटी होगी यानी कि इवन दो वोटिंग मैंशनड है बट दैट इज फॉर द नेम सेक क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी में विप इशू कर दिया जाता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ और जो भी वोटिंग होती है पार्लियामेंट में वो पार्टी लाइंस पर होती है यानी कि यदि सरकार है तो इवन वोटिंग करके भी सरकार जिसे चाहे एटलीस्ट लोकसभा में तो निकाल ही सकती है राज्यसभा में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बट लोकसभा में निकाल सकती है यदि ये बात करें कितने समय के लिए सस्पेंड किया जाते हैं तो ऐसा कोई भी एग्जैक्ट रूल नहीं है कि पर्टिकुलर दिन के लिए सस्पेंड करेगा नॉर्मली इसे एंड ऑफ द डे तक सस्पेंड किया जाता है या तो पांच दिन के लिए या तो इंटायर सेशन के लिए रिमेनिंग सेशन के लिए सस्पेंड किया जाता है सेशन के बियॉन्ड सस्पेंड करने का कोई भी क्लॉस नहीं है एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब भी हाउस चाहे तो हाउस वापस से एक मोशन लाके वोट करके जो सस्पेंडेड एमपी हैं, उन्हें रीस्टेट कर सकता है दैट इज द एक्सटेंट यदि कोई बहुत ही ग्रेव सिचुएशन हो जिसमें ये मेंबर जो है वो अनफिट हो जाए एज अ मेंबर कंटिन्यू अनफिट नॉर्मली तब माना जाता है जब वो बैंक हो जाए इंसॉलवेंट हो जाए और ऐसी कंडीशन कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया जाए या मेंटली अनसाउंड फिजिकली कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें वो मेंबर बनने के लिए सेटिस्फाई नहीं कर सकता वो फिट नहीं हो ऐसी कंडीशन में माना जाता है कि हाउस एक्सपेल भी कर सकता है बट ये प्रोविजन यूटिलाइज नहीं किया गया है इसके अलावा एक मेजर जो तो वरीसम ट्रेंड आ रहा है वो है सस्पेंशन नंबर्स का यानी कि जहां सस्पेंशन जो क्राइटेरिया है बहुत रेयरली यूज किया गया था पहले अभी का ट्रेंड में इसका नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो 2009 से 14 वाले में सिर्फ 36 नेक्स्ट में 81 और अभी तक ही 2019 से 2023 तक 149 को ऑलरेडी सस्पेंड करा जा चुका है यानी कि द गवर्नमेंट एंड द ट्रेजरी बेंच पार्लियामेंट अब इसके दो कॉजेस हो सकते हैं दो पहलू हो सकते हैं यदि अपन सबसे पहले यदि अपन सस्पेंशन क्यों बढ़ रहे हैं इसके बात को समझे तो एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि एक्चुअली जो डिसरप्शन हो रहा है पार्लियामेंट में वो बहुत ज्यादा लगातार बढ़ते जा रहा है यानी कि ऑपोजिशन सरकार से बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है उनकी प्रायोरिटीज को समझ नहीं रहा है और डिसरप्ट ही करना चाह रहा है तो इस वजह से गवर्नमेंट हैज नो ऑप्शन बट टू रिजॉर्ट टू सस्पेंशन टू रन द पार्लियामेंट क्योंकि अल्टीमेटली यदि ऑपोजिशन बिल्कुल नहीं मानेगा तो सरकार को पार्लियामेंट तो चलाना है और चलाने के लिए सस्पेंशन ही एकमात्र सोल्यूशन हो जाएगा इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इज रनिंग अवे फ्रॉम ऑनेस्ट डिस्कशन यानी कि एक पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स हो डेलीबरेशन हो डिस्कशन हो उनको ऑर्गेनाइज करें। यदि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करना है तो इलेक्टेड एम आर द बेस्ट वन फॉर जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं ऐसे केस में यदि कोई गवर्नमेंट के विरोध में लगातार नारे उठा रहा है तो यदि गवर्नमेंट उन्हें सस्पेंड कर देती है तो यह भी एक कारण हो सकता है सस्पेंशन बढ़ने का दोनों ही वरीसम ट्रेंड क्योंकि अपोजिशन जरूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट सही तरीके से वर्क करे गवर्नमेंट पार्लियामेंट के डिक्टम को समझे डिग्निटी को समझे ये भी ज्यादा जरूरी है इस वजह से अब अपन डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट की थोड़ा सा इनडेप्थ अब बात करेंगे सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं कि ये जो डिसरप्शंस हैं ये लगातार क्यों इंक्रीजिंग ट्रेंड पर देखे जा रहे हैं तो इनके कुछ मेजर रीजंस हैं यदि अपन समझे सबसे पहले है lack of time यानी कि जो अपोजिशन है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? अपोजिशन भी अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से बकायदा इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं यदि आप ऑपोजिशन को अपने मुद्दों को रखने का मौका नहीं दोगे तो ये एक वरीसम ट्रेंड है इसकी वजह से क्या होगा ओपोजिशन अपनी बात को रखेगा और बात रखने के लिए आप यदि सरकार मौका नहीं देगी तो वो अनरूली बिहेवियर शो करेगा दैट इज वेरी कॉमन इसके अलावा अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड सरकार को कोई जेनुन ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम दे दी गई जैसे कि अभी के इशू में ऑपोजिशन लगातार अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनसे स्टेटमेंट मांग रही थी कि पार्लियामेंट्री का सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ बट इस इशू पर एक आया ऐसा ऑपोजिशन अलेज कर रही है और उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट ऑपोजिशन पार्टीज ने किया डेलीबरेट डिस्क भी होता है कई बार जैसे कि जब से पार्लियामेंट की लाइव टेलीकास्टिंग अब एलिजनि देखी जा सकती है तो संसद टेलीविजन है उसमें हर थ्रू आउट द कंट्री अपने अपने एम को देखते हैं तो लाइमलाइट में आने की वजह से भी कई बार इंटेंशनल किया जाता है ऑपोजिशन मेंबर्स के द्वारा इसके अलावा एक ट्रेंड जो नोटिस किया गया है कि यदि समबडी इज टेकिंग वॉयलेश ऑफ रूल ऑफ द हाउस रूल बुक का मतलब किसी तरीके से उन्हें फॉलो नहीं किया गया ऐसी कंडीशन में उन्हें पनिश करना चाहिए बट यह पनिशमेंट का ट्रेंड नहीं किया गया है। इस वजह से एक बात साफ है कि आ, इनको मालूम है एमपीस को कि इनके अगेंस्ट कोई मेजर एक्शंस नहीं लिया जा सकता इस वजह से भी इसका फायदा उठाते हैं यदि अपन समझते हैं पार्लियामेंट का डेली एजेंडा कैसे सेट होता है उसके बाद अपन रूट कॉज में जाएंगे और सॉल्यूशंस में जाएंगे कि कैसे डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट को कंट्रोल किया जा सकता है तो सबसे पहले यदि अपन लोकसभा में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी होती है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो होती है जो हाउस में क्या डिस्कस होगा क्या एजेंडा लिया जाएगा वीकली यानी कि अगले हफ्ते क्या लिया जाएगा कल के डे में क्या डिस्कशन लिया जाएगा इसको ये बी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी डिसाइड करती है यदि देखा जाए तो ये कमिटी कैसे डिसीजन लेती है कंसेंसस से यानी कि कोई किसी भी पार्टी के पास वीटो नहीं होता है कॉमन जितने भी हैं सबके बीच में वोटिंग होती है और इस वोटिंग के बेसिस में डिसाइड होता है कि कौन से एजेंडा लिए जाएंगे बट अगेन ये बात आप समझिए बिकॉज सरकार के पास मेजोरिटी होती है इस वजह से सरकार के जो एजेंडा है वो ही नॉर्मली डोमिनेट करते हैं इन द हाउस एंड ऑपोजिशन का स्टैंड कहीं ना कहीं यहां पर वीक हो जाता है और उनके एजेंडा को कम बरायरिटी मिल रही है ऐसा देखा जा रहा है पार्लियामेंट के ट्रेंड में इसके अलावा मेजर रोल किसका है गवर्नमेंट का जो अपन ने ऑलरेडी डिसाइड कर देख लिया कि क्या टॉपिक्स होंगे इसके अलावा अभी अपन देखें इस डिस्ट्रप्शन को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं तो सबसे पहले यदि आप बात करो तो कुछ मोशंस में आप ऑपोजिशन को एक्सेप्ट करो यदि कोई ऑपोजिशन कोई इंपॉर्टेंट मोशन रेस करना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कंडीशन दे रखी है कि क्या करीब करीब 50 मेंबर्स को रिक्वेस्ट रे करना चाहिए ऐसा ही आ, अलग अलग मोशंस के लिए कुछ कंडीशंस दे रखी है मेजर मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन एडजर्नमेंट मोशन के लिए दे रखी है बट क्या इन कंडीशंस को बाकी रेजोल्यूशन के लिए नहीं एक्सटेंड किया जा सकता यानी कि ऑपोजिशन लेट से कोई मैटर को डिस्कस करना चाहती है तो उसके लिए प्रपोजल लेट से 20% ऑफ द पीपल की बैकिंग हो तो वो मोशन इंट्रोड्यूस किया जाए और उसे डिस्कस किया जाए यदि वोटिंग वाला है तो उसमें कोई डेटा सेट कर सकते हैं 30% 40% इस तरीके के लोगों को इंट्रोड्यूस करके ताकि जो ऑपोजिशन है वो अपने मोशंस को अपने एजेंडा को पार्लियामेंट में डिस्कस कर सके ऐसा करना जरूरी है इसके अलावा ऑपोजिशन को भी टाइम देना पड़ेगा इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा है ब्रिटिश का पार्लियामेंट जिसमें साल में 20 दिन ऐसे होते हैं जब ऑपोजिशन डिसाइड करता है क्या मैटर उठाया जाए पार्लियामेंट में इंडियन गवर्नमेंट यदि ऐसा कुछ करे तो हो सकता है अनरूलीस्ट्रप्शन जो है, यदि है वो हो सकता है कम हो जाए यदि, में एक देखा गया है। यदि आप नाइनटीन फिफ्टी में देखोगे तो पार्लियामेंट जितना वर्क करता था उससे अभी हाफ वर्क करता है अभी राइट नाउ सिर्फ साठ से सत्तर दिन वर्क करता है जो इन द लास्ट सेवेंटी ईयर्स आधा हो चुका है यानी कि हो सकता है पार्लियामेंट के लिए भी सेटअप कर दिया जाए कि मिनिमम वर्किंग डेज कितने हो। ऐसा कुछ के ने किया भी है उनके मिनिमम वर्किंग डेज सेटअप है थ्रू आउट ईयर विच इज वन ट्वेंटी इन केस ऑफ उड़ीसा इसके अलावा यदि अपन देखें पार्लियामेंट शेड्यूल में भी कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है कि ईयर लॉन्ग शेड्यूल पहले से ही डिसाइड किया जाए कब सेशन कितने टाइम के होंगे और इस तरीके से किया जाए साथ ही साथ कुछ स्पेशल सेशन का अथॉरिटी किसके पास होना चाहिए ऑपोजिशन के पास भी यदि कुछ ऑपोजिशन मेंबर्स चाहें कि एक पर्टिकुलर सेशन हेल्ड किया जाए जो कुछ इश्यूज को डिस्कस करें तो ऐसा सेशन भी रूल बुक में परमिट किया जाना चाहिए यदि इसके अलावा देखें तो ड्राफ्टिंग कुछ ऐसे इंडेक्स की बात कर सकते हैं जैसे पार्लियामेंट रूल इंडेक्स एथिक्स इंडेक्स ऐसे कुछ इंडेक्स दिए जा सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट रेगुलरली हाउस की वर्किंग को रेट करे इसके अलावा मेंबर्स को रेट करे और इसे पब्लिसाइज करे यदि ऐसा कुछ होगा तो ये समझ में आना चाहिए और ना नेशनल लेवल की कौन और किसके कारण पार्लियामेंट डिसफंक्शनल रहा है डिफंक्ट रहा है इस तरीके के इंसेंटिव्स को भी किया जा सकता है इसके अलावा यदि अपन बात करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू यदि डिसरप्शन इस तरीके से कंटिन्यू रहा तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्यों क्योंकि सबसे पहले पार्लियामेंट को यदि आप देखो तो पार्लियामेंट का दो मेजर काम होता है सबसे पहले होता है लॉ बनाना यदि आप लॉ बनाते हो तो वेन पार्लियामेंट्री एक्ट्स एज लॉ मेकर्स और यदि पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करता है ढंग से तो ये जो लॉ बनेगा ये विदाउट डिस्कशन होगा यदि ये विदाउट डिस्कशन होगा तो इससे क्या होगा हो सकता है क्वालिटी ऑफ लॉ कम हो जाए यदि क्वालिटी ऑफ लॉ कम होगा तो इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन एक और आता है कि बाद में जो इससे रिलेटेड केसेस आएंगे वो जुडिशरी में जाएंगे और जुडिशरी के केसेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे ये एक पूरा साइकिल खराब कर सकता है दूसरा कॉज ये हो सकता है यदि डिस्कशन ना हो तो सरकार खर्च हुआ है तो कहा खर्च हुआ है आपने क्या स्कीम्स लॉन्च करी है उन स्कीम्स का पर्पज क्या है वो कितना ज्यादा फंक्शन करी है ये क्वेश्चन ऑपोजिशन नॉर्मली गवर्नमेंट से ट्रेजरी बेंचेस से पूछता है और उससे जब सरकार जवाब देती है वर्ल्ड और आ, लोग देखते हैं उससे सरकार का एक दबाव रहता है यह बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अलावा यदि अपन फाइनेंशियल देखे तो पर आवर माना जाता है हाउस में 25 लाख रुपए पर आवर रन करने में लगता है यह भी एंटायरली वेस्ट हो रहा है इसलिए पार्लियामेंट का वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब एक मेजर जो अपन ने डिस्कशन तय किया है वो ये है कि अभी के जो रूल बुक है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यानी कि जब आ, कभी भी अपन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन दोनों में स्पीकर एंड चेयरमैन ये जो एक्ट करते हैं दे आर द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिस्पेक्टिव हाउस गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल होता है कोर्ट नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं और हाई कोर्ट को बोलते हैं लेकिन इन द हाउस यदि बात करें तो स्पीकर और चेयरमैन रहते हैं यहां पर यदि स्पीकर अपना रोल सही से प्ले करे यानी कि एंश्योर करे कि रिजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाए ओपोजिशन के, के। साथ ही साथ उन ओपोजिशन के ऊपर रूल ना करे बट उनको कोऑर्डिनेट वे में करे तो हो सकता है एक कंसेंसस बनाने में हेल्प की जा सके क्योंकि जब तक रूल बुक नहीं चेंज होती जब तक मेजर लॉस नहीं चेंज हो सकते वी कैन ओनली डिपेंड दैट द पोस्ट ऑफ दिडिंग ऑफिसर जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो उतने विजडम के हो और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो अपनी विजडम शो करें कि पार्लियामेंट को कैसे सही से वर्क करना है उनका मेजर काम दोनों तो ओपोजिशन no और सरकार के बीच में एक कंसेंसस बनाने का होना चाहिए और उसे पूर्व पूर तरीके से निभाना चाहिए

फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट तीन या चार पॉइंट लिखोगे लेकिन इस पॉइंट में एंड नॉट फॉर डिसरप्शन इन आर डेमोक्रेसी इस पॉइंट पर लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर टू सब सेक्शन टू है इस पार्ट में आप दो लिखोगे यस एंड नो यानी कि आप लिखोगे पहले यस पार्लियामेंट इज नॉट मेंट फॉर डिसरप्शन इन आर डेमोक्रेसी या इसमें आप यस लिखोगे क्यों नहीं किया जा सकता है जो अपन ने पॉइंट्स डिस्कस किए कि ऑर्डिनेंस मेकिंग की तरफ जाएगा लॉ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इसके अलावा जो भी इश्यूज होंगे वो लिखोगे बट एट द सेम टाइम इसमें भले ही लिमिटेड वर्ड्स दोगे लेकिन इस पॉइंट को भी टच करना कि एक बात और ज्यादा जरूरी है जब पार्लियामेंट का डिसरप्शन किया जाता है तो भी आप जो पब्लिक तक एक मैसेज भेजते हो मैसेज क्या भेजते हो कि आप जो इश्यू उठाना चाह रहे हो यदि सरकार नॉन रिस्पॉन्सिव है तो आप अपनी जनता तक अपने वोटर्स तक एक इशू रेस कर रहे हो तो इवन दो जब यदि सस्टेन्ड डिस्करप्शंस होते रहे और डेमोक्रेसी में यदि डिस्करप्शन बिकम अ न्यू नॉर्म तो वो एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है बट यदि ओकेशनल डिस्करप्शन किए जाए तो वो एक इंपॉर्टेंट एजेंडा को इंट्रोड्यूस uh, करता है हेल्प करता है जो अदरवाइज शायद पार्लियामेंट में सरकार इंट्रोड्यूस ना करे इस तरीके से आप अपने आंसर को दूसरी तरीके से भी मोड़ो लेकिन यू हैव टू राइट डिसरप्शंस रेगुलर नहीं होने चाहिए एक न्यू नॉर्मल नहीं बनना चाहिए बट एक ओकेशनल प्रैक्टिस होनी चाहिए जब ऐसे इश्यूज जो ना डिस्कस किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज में टाइम नहीं मिल रहा है तभी उनको किया जाए ज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योर आंसर नॉर्मली क्या होगा इसमें अदर लोग इसमें नॉट फॉर डिस्ट्रप्शन में बस यस yes करेंगे हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन को टच नहीं करेंगे यदि आप इसको छोटा सा भी टच कर दोगे यू विल कास्ट अ गुड इंप्रेशन ऑफ द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ वर्किंग ऑफ पार्लियमेंट टू द एग्जामिनर दैट सॉल्व फॉर दिस टॉपिक थैंक यू